वेलकम टू टेस्ट कहानी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट बाउंटी केक। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर रेसिपीज एंड वीडियोस। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टेस्ट कहानी को अभी सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते 3 से 4 नई रेसिपीज इंजॉय करें। सबसे पहले फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए एक सॉस पैन में 200 ml व्हिपिंग क्रीम शामिल करें। थोड़ा सा पकाएं और 200 ग्राम कुकिंग मिल्क चॉकलेट शामिल करें। चॉकलेट को मेल्ट करें और एक बोल में निकाल लें। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। केक का बैटर बनाने के लिए एक बड़े बोल में 2 अंडे डालें। अच्छी तरह फेंटें और शामिल करें 1/2 कप दूध, 1/2 कप चीनी। अच्छी तरह मिक्स करें और 1/2 कप ऑयल डालें। चीनी घुल जाने तक मिक्स करें। अब 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 1/2 कप कॉफी शामिल करें। 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें और 3/4 कप कोको पाउडर शामिल करें। अब 1/2 कप मैदा शामिल करें। केक के बैटर को 2 ग्रीस हुए बेकिंग पैन में डालें। ओवन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए गर्म करें और 15 मिनट के लिए केक्स को बेक करें। केक्स को कोको पाउडर, चीनी और दूध के मिक्सचर से सोक करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब कोकोनट फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट शामिल करें। 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। फिलिंग तैयार है। अब बनाई हुई फ्रॉस्टिंग को उस वक्त तक बीट करें जब तक कि वो क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। अब एक केक पे बनाई हुई कोकोनट फिलिंग अच्छी तरह फैला के लगाएं। दूसरा केक ऊपर रखें और फ्रॉस्टिंग लगाएं। पैलेट नाइफ की मदद से केक की फ्रॉस्टिंग को स्मूथ करें। केक को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। आखिर में डार्क चॉकलेट गिनाश से डेकोरेट करें। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट बाउंटी केक तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।